क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात सुग्रीव और बाली कलयुग में ऐसा हुआ चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का देखना, भालुओं का देखना, बंदरों के झुंड का देखना तथा जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में सुग्रीव और बाली अपने धाम नगरी अयोध्या 22 जनवरी से पहले ही आ गए, मित्रों राम जी से मिलने पहुँचे उनके दोनों खास भक्त सुग्रीव और बाली? सुग्रीव और बाली आज भी जीवित है, ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा। इसी के साथ बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े चार शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं कि मंदिर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, और बताया जा रहा है मंदिर में भारत का सबसे बड़ा दिया पहुंच चुका है और वही गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है, जिसका वजन 3500 किलोग्राम है। उसी के साथ राम भक्तों ने 21 क्विंटल का घंटा भी मंदिर में पहुंचा दिया है। वही मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान 50 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुँच गया है। वही पर नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए 1 साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनकपुर वासी अयोध्या ला रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर कमान भेज रहा है तो कोई खड़ा हो तो बस्तर भेज रहा है। आज की इसी वीडियो में शुरुआत करने से पहले, अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता हमारे यहाँ है। आगे वीडियो में बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। दोस्तों, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी एक ऐसी चमत्कारिक घटना और सामने आ गई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। पिछले कई सालों में हमें नजर भी नहीं आए, अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार है। और यह खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के वक्त हुए वह चमत्कार बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से दो जो विशाल शिलाएं लाई गई थी, जिससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उनसे मूर्ति बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते चलिए।
शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। जिस मौके का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वह घड़ी आ गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही ध्यान के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध पहुँचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे देखें, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में एक कहानी थी, मगर दोस्तों आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, यह वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने उसे देखकर कह दिया कि यह कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। और जिस जगह पर वह पुल बनाया गया था, वह आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था, और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर वानर सेना लंका में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण खुद की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है, और यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्ध दराज जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूँ। इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले रामराज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली, तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए, तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पत्थर वाले चौथे स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 20 शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1950 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन
पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन दो पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद बाद फरवरी में नेपाल के काली गंदगी से दो शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इन दो शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि 74 टन वजनी शिला को शाली माना गया, लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से तीन मूर्तियां बनाई गई है। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 68 एकड़ जमीन है, जिसे 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और 1 मुख्य शिखर होगा। साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1994 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए।